ओपन माइक में आपका स्वागत है। हम इस समय बनारस में हैं, ऐतिहासिक नगरी बनारस, जिसकी पहचान है ये सुंदर घाट और ये गंगा नदी। जब से नरेंद्र मोदी बीजेपी प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट यहाँ से उम्मीदवार बने, यहाँ से प्रत्याशी बने, सबकी निगाहें बनारस पर है। और अब समझा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के लीडर अरविंद केजरीवाल भी बनारस आएंगे मोदी को यहाँ से टक्कर देने के लिए। तो बनारस का मिजाज क्या है, बनारस के जो वासी हैं ये क्या सोचते हैं मोदी के बारे में, केजरीवाल के बारे में, क्या उनके मन में मोदी के लिए उत्साह है? आइए चलते हैं, ये सब सवाल करते हैं। हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं बनारस के जाने माने व्यक्ति, जो सम्मानित बनारस के व्यक्ति हैं, हमारे साथ प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, लेखक, बहुत सारे जाने माने व्यक्ति मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि इनके मन में क्या है जब मोदी यहाँ से उम्मीदवार बने हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहूंगी, कैसा महसूस हो रहा है आपको, कैसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी यहाँ से उम्मीदवार हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत उत्साहवर्धक है और देश की उम्मीद मोदी जी में है। अगर मोदी जी ने उम्मीदवार अपने को यहाँ बनाया है, उन्होंने हमसे उम्मीद की है काशी की जनता से, तो काशी की जनता उन्हें निराश नहीं करेगी, बहुत ही जोरदार मतों से वो जीतेंगे। और क्योंकि वो हम लोगों की निगाह में, काशी की निगाह में एक विकास पुरुष हैं और गुजरात का मॉडल हम चाहते हैं, इसलिए हम सब काशीवासी बहुत ही उत्साहित हैं, आह्लादित हैं और मोदी जी के स्वागत के लिए उत्सुक हैं। बस एक शर्त हमारी मोदी जी से जरूर है कि वह जब यहाँ से जीते तो बनारस अगर उन्हें अपनाने जा रहा है, काशी अपनाने जा रही है, तो उन्हें जीतने के बाद काशी का प्रतिनिधित्व पूरे 5 वर्ष करना ही चाहिए। पर चड्डा जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि 1996 से बीजेपी लगातार बनारस से जीतती आई है, 2004 को छोड़ करके लगातार 1996 से बीजेपी यहाँ जीतती आई है। पर बनारस की जो दुर्दशा है, यहाँ की सड़कें टूटी हुई हैं, यहाँ बिजली की कटौती है, पानी नहीं है, गंदगी है, इस दुर्दशा से बनारस मुक्ति क्यों नहीं है? पहली बात जो है, गुड गवर्नेंस का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है, भ्रष्टाचार इशू बन रहा है और जात पात का, और जो बाकी राम मंदिर आंदोलन, ये तमाम तरह के जो आंदोलनों पे वोट लिए जा रहे थे वो इस बार गौड़ है। अगर विकास के मुद्दे पे है, मोदी से तमाम तरह से अपेक्षाएं इसलिए भी है कि गुजरात एक बेहतर मॉडल है। पर बेसिकली क्या विकास चाहते हैं मोदी से, विकास चाहते हैं कि अगर मोदी यहाँ आए तो इससे गुजरात मॉडल यहाँ आएगा? पर मैम, क्या आप इससे सहमत है कि यहाँ गुजरात मॉडल हो सकता है, यहाँ गुजरात मॉडल आ सकता है? हम बिल्कुल भी सहमत नहीं है, क्योंकि गुजरात मॉडल जो है, कॉरपोरेट बैक मॉडल, ये यूपी के लिए नया नहीं है। अगर आपको मैं बनारस से थोड़ी बाहर सोनभद्र में ले चलूं, तो सोनभद्र में बहुत सालों पहले से ही हिंडाल्को का यहाँ इंडस्ट्री है और बिरला यहाँ पे उनका इंडस्ट्री है। और आप अगर देखेंगे तो वहाँ पे एयर स्ट्रिप जरूर है जहाँ बिरला आके रुकते हैं, पर वहाँ पे रेल नेटवर्क कभी तक बन नहीं पाई। वहाँ पे लोग जो है बेरोजगारी से अभी भी जूझ रहे हैं। यहाँ ग्रामीण क्षेत्र की अपनी मुद्दे हैं, सिंचाई से लेके, बेरोजगारी से लेके, विदेशी कल्चर जो है कि बाहर आउट माइग्रेशन बहुत ज्यादा है, ये सब मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों की, शहरी क्षेत्रों की अपनी मुद्दे हैं, ट्रैफिक, रोड, शासन के मुद्दे हैं, यहाँ पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे हैं, ये सब मुद्दे, ये स्थानीय मुद्दे हैं, वो ही सुलझा सकते हैं। तो कपूर साहब, क्या आप इससे सहमत है कि यहाँ पर मोदी का डेवलपमेंट, मोदी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट बनारस में नहीं चलेगा? मैं मैडम से बिल्कुल असहमत हूँ जी, यहाँ पे मिक्स मॉडल ही चल पाएगा। मैं आपको सीधे सीधे चीन का उदाहरण दे रहा हूँ। चीन की तरक्की का मेरे विचार से सिर्फ एक ही उत्तर है कि वहाँ लोकतंत्र नहीं है। मोदी जी अपने काम में थोड़े थोड़े ऑटोक्रेट है, यहाँ ऑटोक्रेसी भी डेमोक्रेसी चाहिए जी। और वो ये सारे गुण मोदी जी में विद्वान है, लेकिन हम लोग को खाली एक ही डर है जी, मोदी जी यहाँ से आ रहे, भाजपा ने यहाँ हमेशा बाहर के लोगों को भेजा है, यहाँ का अनुभव काशी वालों तो क्या आप डरते हैं कि ये बनारस को छोड़ देंगे, अगर गुजरात से जीत कर आए तो बनारस को छोड़ देंगे? क्या सभी यही डरते हैं कि मोदी जी बनारस को छोड़ देंगे? ऐसा नहीं होगा। आप कह रहे हैं कि नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा? ऐसा हम लोग बिल्कुल नहीं डरते हैं कि मोदी जी बनारस छोड़ देंगे। मोदी जी की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है, वो करके दिखाते हैं। जिस तरह से गुजरात को उन्होंने एक मॉडल के रूप में देश में प्रस्तुत किया है जी, उसी तरह से काशी का भी विकास होगा। काशी की जनता इतनी उत्साहित है मोदी जी के नाम पे
वो घर घर मोदी हर हर मोदी, घर घर मोदी हर हर मोदी, क्या यही नारा है? मैं मैम से पूछना चाहूंगी, मैम क्या यही नारा है कि सब उत्साहित है? क्या आप बहुत उत्साहित हैं? आप भी उत्साहित हैं कि घर घर मोदी हर हर मोदी? हम सब लोग बहुत उत्साहित हैं। एक चीज आपने देखी होगी, जब आप मिजाज की बात करें बनारस के, बनारस में एंटरप्रेन्योरशिप बहुत है। यहाँ हर आदमी एक अपना छोटा से बड़ा अपना करता है, एक वेंचर लगा। पर यहाँ विकास क्यों नहीं होता है? विकास इसलिए कि उनको कभी सपोर्ट नहीं मिला। अगर आप जनमानस की बात करिए, छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा आदमी चाहता है कि हम स्वयं उद्यमी बने, लेकिन हम लोग को जो सपोर्ट मिलना चाहिए बाकी लोगों से वो बहुत नगण्य है। और हम लोग को यही मतलब प्रशासन ठीक नहीं है, प्रशासन ठीक नहीं है, प्रशासन ठीक नहीं है और आपकी सुनवाई नहीं है। जैसा कि हमने खुद अनुभव किया है गुजरात में, अगर आपको कोई उद्यम लगाना है सिंगल विंडो से एक महीने के अंदर आपकी एप्लीकेशन आपके घर आती है। और तो गुजरात में जैसा विकास है आपको ऐसा ही विकास चाहिए। हमें पूर्ण विश्वास है कि बनारस उसको पूरी तरह से उनको वो एक्सेप्ट करेगा। पर मैं पूछना चाहूंगी, मैं अमिताभ भट्टाचार्य जी से पूछना चाहूंगी, देखिए मोदी जी अगर यहाँ आए वो तो सांसद बन के चले जाएंगे, प्रधानमंत्री अगर बन गए तो चले जाएंगे, तो जैसे बनारस के जो स्थानीय समस्याएं हैं इनको कौन देखेगा? इनको तो प्रदेश सरकार ही देखेगी, केंद्रीय सरकार तो यहाँ स्थानीय समस्या के लिए नहीं आएगी। तो अगर मोदी जी यहाँ से चुनकर गए भी तो क्या आपका समस्याओं का समाधान होगा? एक काम कर सकते हैं कि बनारस की यूनियन टेरिटरी टाइप कुछ बना दें, उत्तर प्रदेश से अलग कर लें ताकि वो कुछ कर पाए। यूटोपिया साइंटिफिक रियलिटी को समझने की जरूरत है जी। ये शहर सैरोगेटेड मदर है क्या जी, कि किराए का कोख कोई भी चला आता है कहता हम आपके प्रतिनिधि हैं। ह्यूमिलिएशन ऑफ द सिटी कि शहर के गर्भ से कोई राजनेता जन्म नहीं ले सकता, एक किराए का गर्भ है, किराया का घर बन चुका है। अमरीश, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप तो मोदी के फैन हैं और आप समझते हैं कि बहुत सारा बहुत ज्यादा उत्साह है। मोदी का फैन इनफैक्ट नहीं हूँ, मैं सच्चाई का फैन हूँ। ईमानदार अच्छा। आदमी है, जो भी डाटा उनके पास आया वो प्रूव्ड हुआ, सरकार उनके पीछे पड़ी रही, ये जांच वो जांच सब में सरकार पीछे हटती गई, पूरी गवर्नमेंट उनके प्रति बाज है। और काशी में पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं, वो समझते हैं क्या करना है। गली मोहल्ला बहुत छोटा इशू है, सड़क खराब है, धूल उड़ता है, लाइट, वो तो बहुत छोटा इशू। जब बेस रहेगा सब कुछ ठीक हो जाएगा, जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। जब अगर अच्छा इंसान कोई भी पद पे जाएगा ना तो अपने आप सब कुछ चीजें ठीक हो जाती है, नीचे के लोग अपने आप ठीक काम करते। और क्या आप समझते हैं कि मुरली मनोहर जोशी ने कुछ भी काम नहीं किया यहाँ पर? कटे रहे उनका इंटरेस्ट, वो तो प्रोफेसर आदमी, उनको पढ़ाना लिखाना चाहिए, वो राजनीति में गलत आ गए। और तो आप समझते हैं कि मोदी अगर यहाँ से गए, यहाँ से चुनकर अगर सांसद बने, अगर प्रधानमंत्री बने तो देश के लिए अच्छा रहेगा, पर बनारस में क्या होगा ये इस पे आप थोड़ा कंफ्यूज है। अच्छा हो जाएगा तो बनारस तो अच्छा हो ही जाएगा, हो ही जाएगा। जो आदमी गुजरात का पूरा स्टेट अच्छा करिए तो बहुत छोटा शहर है। राइट, पर अमरीश मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि क्या आप सांप्रदायिकता से डरते हैं? क्योंकि कहा जाता है कि मोदी के साथ जुड़े हुए हैं जो मतलब हिंदू उग्रवादी ताकतें, जो सांप्रदायिक ताकतें, और यहाँ बनारस में गंगा जमुनी तहजीब है, यहाँ दोनों कौम हिंदू और मुस्लिम एक साथ रहते हैं, तो क्या आप समझते हैं कि इससे कुछ खतरा है बनारस को? सांप्रदायिकता है क्या जो बोलते हैं उन्हें पता ही नहीं, तहजीब है ये सत्य है। और यहाँ की जनता बहुत समझदार है, किसी को बताने की जरूरत नहीं कि हिंदू मुस्लिम को लड़ना है कि नहीं लड़ना है। यहाँ के मुस्लिम भी बहुत समझदार है, हिंदू भी है, तो कुछ लोग हैं जो ये सब समझाते रहते हैं। ये आप भी समझती हैं, मोदी जी के पीछे जो सरकार पड़ी है वर्षों से, 5 साल से लगातार, वो भी समझती है कि क्या सांप्रदायिकता की सच्चाई है और क्या नहीं है। सांप्रदायिकता ऐसा इशू है ही नहीं, तो बनाया हुआ इशू है। क्या सांप्रदायिकता यहाँ इशू ही नहीं है? क्या इस बार विकास ही मुद्दा है, विकास और डेवलपमेंट का यही मोदी का सबसे बड़ा मुद्दा है? क्या आप समझते हैं कि कोई सांप्रदायिकता सेक्युलरिज्म ये मुद्दा ही नहीं है? पूरे देश में ये एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा कि हिंदुस्तान को कौन समावेशी राजनीति देता है। मोदी के बारे में बनारस की जनता ये सोच रही है कि क्या मोदी पूरे देश को एक साथ लेकर के चल सकते हैं। उनका जो विश्व दृष्टिकोण है, जो कहीं न कहीं वो जिस परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिस केसरिया हिंदुत्व के साथ वो खड़े हैं, वो क्या पूरे हिंदुस्तान को एकजुट रख सकता है? क्या उनके समय में इस प्रकार की संभावनाएं नहीं हो सकती हैं कि जैसे कि कोई एक ऑटोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक दोनों मिला करके चलने वाला व्यक्ति क्या सभी समुदायों को अपने आप में समावेश कर पाएगा? बनारस के लोग इस बात को लेकर बहुत चिंतित हैं
कि क्या काशी में गोधरा के विरासत वाला व्यक्ति काशी की गंगा जमुनी संस्कृति के साथ न्याय कर पाएगा। विकास तो एक गति है, विकास हो रहा है, लेकिन क्या जो सामाजिक समन्वयता है, सौमनस्यता है, ये भी काशी की बनी रहेगी? आप इसमें कुछ कहना चाहेंगे? आप हंस रहे हैं। आप समझते हैं कि ये मुद्दा ही नहीं है? आप समझते हैं कि ये मुद्दा ही नहीं है? आप समझते हैं कि ये गंगा जमुनी तहजीब मुद्दा ही नहीं है और डेवलपमेंट और विकास चाहिए? नहीं, हम लोग यंगस्टर्स के लिए मैं ही कह सकता हूँ कि ये हमारे लिए कोई मुद्दा ही नहीं है। मेरे कई फ्रेंड्स हैं, मुस्लिम हैं, सब अलग अलग रिलीजन। क्या वो भी मोदी को वोट देंगे? क्या यहाँ के जो काशी के जो मुसलमान हैं? पर्सनल चीज है वो मैं नहीं जानता, बट सबको डेवलपमेंट चाहिए। सब चाहते हैं हमको नौकरी मिल जाए, हमारी नौकरी है तो हमारे को थोड़ा प्रमोशन मिल जाए। हर आदमी चाहता है कि अपलिफ्ट हो सके थोड़ा अपने लाइफ में, और जो वो करके देगा वही चाहिए आदमी को। ये सब कोई बहुत बड़े मुद्दे नहीं है, डायलॉग के लिए अच्छे हैं। ये देश जो अहिंसा और सत्य पर आधारित, जिस तरह से हिंदुस्तान एकजुट हुआ है, ये किसी औरंगजेब के द्वारा या किसी अलाउद्दीन खिलजी या किसी अकबर या चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा एकजुट किया हुआ शासन नहीं है। ये लोकतंत्र पर आधारित और लोकतांत्रिक शक्तियों के विकेंद्रीकरण पर आधारित ये देश है। यहाँ व्यक्ति का महत्व है, लेकिन वही महत्व व्यक्ति का है जो जनता को आगे बढ़ने, जो सबको एक साथ लेकर के चल सके, सबको लेकर के चले। ये मोदी के लिए बहुत बड़ी चुनौती, ये चुनौती है, चुनौती है। मैम ऐसा है कि मैं साड़ी बिजनेसमैन हूँ और मेरा दिन भर जो है अपने मुस्लिम भाइयों से इंटरेक्शन होता है। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी उनसे जितनी भी बातचीत होती है, उनको उनका मुद्दा सिर्फ विकास है। हम लोग के मन में या उनके मन में कोई भी दंगों का या हम लोग के बंटवारों का डर नहीं है। मैम ये सब बहुत पुरानी बातें हैं, अब सब लोग इससे बहुत ऊपर उठ चुके हैं। आज वो भी यही चाहते हैं कि जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी हो ताकि हम लोग की लूम्स जो है 24 घंटे चले और प्रोडक्शन डबल हो। सूरत इंडस्ट्री है मैम, आज जो साड़ी का मेन राइवल है वो सूरत है। वहाँ पे जब साड़ी इंडस्ट्री इतनी बूम पर है तो हमारी भी होगी और मोदी जी जरूर करेंगे। देवेगौड़ा के समय पे कर्नाटका इतना बूम में था साड़ी इंडस्ट्री, पर बनारस का इतना दुर्दशा क्यों हुई उस समय से? बनारस का एक अलग मिजाज है और बनारस के साथ केवल स्थानीय मुद्दे नहीं है। मैं बताना ये चाहूँगा कि यहाँ की पहचान, यहाँ का साहित्य, यहाँ की कला, यहाँ की संगीत परंपरा और यहाँ की संस्कृति है। हम केवल सड़क और बिजली तक सीमित न रह करके हम चाहते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति आवे, कोई भविष्यवाणी में नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ऐसा व्यक्ति आवे जो बनारस को एक पर्यटन स्थल विश्व स्तर पर स्थापित कर। और क्या मोदी है वो व्यक्ति? ये क्या झलक दिख रही है लोगों को? झलक दिख रही है तो क्या मैं एक पोल लेना चाहती हूँ यहाँ, क्या सब मोदी जी के आने में सब उत्साहित हैं? सब उत्साहित हैं? हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। इतना उत्साहित होने की भी जरूरत नहीं है, हमें बहुत सारी चीजों पर नजर रखनी है। हम जितने भी चुनाव हुए हैं सबके मूल में जाति धर्म संप्रदाय रहा है और इस चुनाव में भी रहेगा। पर इस चुनाव में आप लोग सब कह रहे हर हर मोदी, घर घर मोदी, पर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जब मतदाता मत देने के लिए जाता है तो वो किस पे मत डालता है, स्थानीय मुद्दे पर या राष्ट्रीय मुद्दे पर? ये तो देखिए, ये तो दोनों मुद्दे काम करते हैं उस समय जब आदमी जब चुनाव में वोट देने नहीं, जब वाराणसी के मतदाता जब वोट देने के लिए जाएंगे तो किस पर वोट देंगे? स्थानीय मुद्दे भी हैं, स्थानीय मुद्दे के लिए हम दो सरकार प्रदेश सरकार को देते हैं। पिछले दो वर्ष से यहाँ पर सरकार नाम की कोई चीज हमें दिखाई नहीं देती है। हर इंसान बनारस के सोचता है कि कोई स्थानीय सरकार नहीं है। और जहाँ तक मोदी का प्रश्न है, मैं आपसे, आपने शुरू में दो प्रश्न उठाए थे मोदी और केजरीवाल, तो मैं पहले आपसे कहना चाहूँगा कि ये पत्रकारों को बंद कर देना चाहिए। केजरीवाल यहाँ कोई इशू नहीं है इस देश में, अब कोई इशू नहीं है। और बनारस में तो केजरीवाल कोई इशू नहीं है, हम समझते हैं 10,000-5,000 से कम वोट पाएंगे केजरीवाल, कोई इशू नहीं है। ये बेमतलब का इशू आप लोग मत उठाया करिए, बंद कर दीजिए। केजरीवाल से प्रमुख बहुत से लोग यहाँ पर हैं, केजरीवाल इज नो इशू, केजरीवाल इज नॉट गोइंग टू गेट एनी काइंड ऑफ सपोर्ट। पर हम सुन रहे हैं कि 23 तारीख को वो आ रहे हैं या जनमत करने के लिए। 23 तारीख को यहाँ पर चुनाव है ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी का, उस दिन कोई मीटिंग हो ही नहीं सकती। इस तरह का फ्रॉड हमेशा करते रहते, तो जो रेफरेंडम करने के लिए जो आएंगे ये सब नौटंकी है, दिखावा है, सब उनके नौटंकी है। दूसरा जो आपने सांप्रदायिकता का इशू उठाया, मैं आपको उस पर बताना चाहता हूँ कि बनारस के हजारों ऐसे बुनकर हैं जो सूरत में रहते हैं, जो बहुत गरीबी डाउन टू अर्थ से होके सूरत गए और सूरत से बहुत पैसा कमा के बनारस लौटे। बनारस का जो बड़े बड़े जब गिरफ्तार मुसलमान इनको कहते हैं, वो सब सूरत से उनका व्यापार है, उसके बिना वो कुछ नहीं है। जिनका असर है, बड़े बुनकर बस्तियों पर असर है,
तो सांप्रदायिकता भी यहाँ कोई इशू नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, और हर कोई मोदी के क्रेडेंशियल पर उन पर फिदा है और मोदी को वोट देगा। मोदी से सब मोदी पर फिदा है, क्या सब मोदी पर फिदा है? सब मोदी पर फिदा है। पर ये मंदिर वाला मुद्दा मैं थोड़ा उठाना चाहती हूँ, मंदिर वाला मुद्दा, क्योंकि ये जो इलाका है पूर्वांचल, यहाँ काशी, मथुरा और अयोध्या, यहाँ पर VHP ने मंदिर पर बहुत जोर दिया था, बंद है। तो क्या आप समझे कि ये फिर उठ सकता, ये मुद्दा फिर आ सकता है, मंदिर का मुद्दा फिर आ सकता है? काशी में मंदिर का मुद्दा ना कभी रहा है ना कभी रहेगा। बनारस के लोग कुछ और ही अलग सोचते हैं और यहाँ पर मिलजुल के रहना जानते हैं। मैं जानता हूँ, मैं ऐसे मोहल्ले का रहने वाला रहा हूँ जहाँ पर कभी हिंदू मुस्लिम बलबा हुआ ही नहीं, और साथ बैठ करके कर्फ्यू लगा होता था पूरे शहर में, साथ में बैठ करके ताश खेला करते थे जी। तो ऐसा बनारस में ना यहाँ के लोगों के दिमाग में, जैसे आप बता रहे हैं गंगा जमुनी तहजीब, गंगा जमुनी तहजीब ही नहीं। और दूसरा जो मोदी साहब का जो मुद्दा आता है बार बार, तो मोदी साहब की जो इंडिविजुअल पर्सनालिटी, जो उन्होंने अपना व्यक्तित्व निखारा है नीचे से लेके ऊपर तक, उस पे हम भरोसा करते हैं। तो पर क्या आप नहीं समझते कि वो बनारस से खड़े हो रहे हैं इसीलिए ये संदेशा देने के लिए कि मैं अभी भी हिंदुत्व से जुड़ा हुआ हूँ? क्योंकि बनारस एक हिंदू धर्म की एक कैपिटल माना जाता है। अगर विकास को जोर देना चाहते तो लखनऊ से कर सकते थे। क्या बनारस से आ रहे इसीलिए कि ये दोहराने के लिए कि बनारस मिनी इंडिया है, बनारस में सभी प्रदेशों के लोग यहाँ पर रहते हैं। ये सब मोदी जी के अति उत्साह में बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि बनारस BJP की बड़ी स्ट्रांग सीट है, पर लखनऊ भी तो सेफ सीट है। लखनऊ इतनी सेफ नहीं है जितनी सेफ की बनारस है। ये मोदी नहीं, देखिए ये हर एक का व्यक्तिगत विचार है, ऐसा नहीं है। मोदी मैं समझता हूँ मुख्य रूप से मोदी जी इसलिए आ रहे हैं जो राष्ट्र के प्रधानमंत्री बनने हैं। बनारस एक मिनी राष्ट्र है, पूरे भारतवर्ष को प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ महाराष्ट्रियन है, यहाँ राइट है, यहाँ पर पंजाबी है, यहाँ बंगाली है, यहाँ मोहल्ले है, यहाँ बंगाली वाला है, यहाँ बंगाली वाला है, महाराष्ट्रियन है, अति उत्साह पूरे भोली के लिए अति उत्साह है। मोदी के नारे लगाए जा रहे हैं, मोदी के लिए सब उत्साहित हैं, सब कहते हैं कि यहाँ हर हर मोदी, घर घर मोदी, बम बम मोदी के नारे लगाए जा रहे हैं।